हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2E से। 2E क्या है? ए टॉरॉइड हैज 1000 टन्स एंड ए करंट ऑफ 100 mA इज फ्लोइंग इन इट। इफ द इनर एंड आउटर डायमीटर्स ऑफ द टॉरॉइड आर 0.08 मीटर एंड 0.10 मीटर रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन द टोरॉइड। तो टोरॉइड का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ये हमें निकालना है। तो क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2E। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टॉरॉइड इज गिवन एज बी इक्वल्स टू म्यू जीरो एन आई आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, हुएर जहां पर आर इज रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द टॉरॉइड। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ बी इज जीरो इन साइड the inner edge as well as outside the outer edge of the toroid. Further, from the above, 1 by r depends of b. ये देखिए 2 pi by r है, तो 1 by r depends of b. The value of b will be maximum just inside the toroid for which R equals to 0.08 meter and B will be minimum. B will be minimum just inside the outer edge for which r equals to 0.10 meter. So b max equals to kya jayega, mu 0 by 2 pi into n I by r. r kya hai yahan par 0.10 sorry 0.08, ठीक है ना। और बी मीन आ जाएगा 0.10। तो द वैल्यू ऑफ बी मैक्सिमम इन साइड द टोरॉइड फॉर विच आर इक्वल्स टू 0.08, तो यहाँ पर आर की जगह पर 0.08 पुट करेंगे। म्यू 0 बाई 2 पाई, इसका वैल्यू होता है यहाँ पर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7,
इंटू एन जो है कितना टर्न्स है, 1000, इंटू आई जो है वो क्या है, मिली एम्पियर है, उसे एम्पियर करेंगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, 100। तो यहाँ पर 100 से हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे, है ना। तो 0.1 एम्पियर आएगा, 0.1 डिवाइडेड बाई 0.08, ठीक है ना। तो इसको अब हम करेंगे सॉल्व, या फिर कैलकुलेटर में इसका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.25 इंटू 10 to the power -5 टी, 10 to the power -4 टी, दिस इज इक्वल्स टू 0.25 एम टी। उसके बाद बी मीन, दिस इज इक्वल्स टू 2 into 10 to the power -7, ये है μ0/2π इंटू 1000 टर्न इंटू 0.1 एम्पीआर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आर इक्वल्स टू आ जाएगा 0.10, दिस इज इक्वल्स टू 0.2 एम टी, ठीक है ना, टेस्ला एंड मिली टेस्ला। उसके बाद 2F, ए कैपेसिटर इज मेड अप ऑफ टू हॉलो कॉन्सेंट्रिक मेटल स्फेयर, मेटल स्फेयर ऑफ रेडियाई R1 एंड R2, सच दैट, जहाँ पर यहाँ पर R2 की वैल्यू R1 से ग्रेटर देन, द रीजियन बिटवीन द कॉन्सेंट्रिक स्फेयर इज फील्ड विथ ए डाइलेक्ट्रिक मेटल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के एंड द आउटर स्पेस इज अर्थ, डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस निकालना है कैपेसिटर का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, R2, R1 एंड K है, F2 एक यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे हम स्फेयर को, ठीक है ना, मेड ऑफ ए होलो कॉन्सेंट्रिक मेटल स्फेयर, रेडियाई यहाँ पर क्या है, R1 एंड R2, तो एक है R1 और एक है R2, R2 ग्रेटर देन है, तो ये है मान लीजिए R2 और ये है R1, ठीक है ना, और यहाँ पर चार्ज है -Q और यहाँ पर चार्ज है +Q, ये है सरफेस। तो इफ ए चार्ज +Q इज प्लेस्ड ऑन द इनर स्फीयर ऑफ रेडियस R1 एंड इक्वल एंड ऑपोजिट अमाउंट ऑफ चार्ज अपीयर्स ऑन द इनर साइड ऑफ द आउटर स्फीयर, डाइलेक्ट्रिक फील्ड गेट्स कॉन्फाइंड टू द स्फेयर, सॉरी टू द स्पेस बिटवीन द कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स, लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल
गॉसियन, सरफेस, ऑफ रेडियस आर, सॉरी, तो ये रेडियस आर का एक सरफेस लेंगे और ये हो जाएगा R1। ये आ रहे हैं ना आउटर। यहाँ पर सरफेस एक लेना है, स्फेरिकल सरफेस। एक मिनट, लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो सरफेस तो हमारा ये है, तो हमारा ये R1 है और ये है स्मॉल आर। ये है स्मॉल आर, ये सरफेस है विथ रेडियस आर। तो ये हो जाएगा आर और हमारा ये था R1। तो ये स्फेयर यहाँ पर क्या है हमारे पास, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस आर है। तो ये जो रेडियस है ये आर है, सरफेस ऑफ रेडियस आर। लाइंग इन द डाइलेक्ट्रिक द डिस्प्लेसमेंट डी इज नॉर्मल टू दिस सरफेस एंड सो अप्लाइंग गॉस लॉ वी गेट 4 pi r square d इक्वल्स टू क्यू सिंस डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 के ई। तो वी हैव ई इक्वल्स टू डी बाई एप्सिलॉन 0 के, दिस इक्वल्स टू क्यू बाई 4 pi एप्सिलॉन 0 के इंटू 1 बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पर डी जो है, डी इक्वल्स टू क्या है, क्यू बाई 4 pi r स्क्वायर। सेम देखिए, 4 pi r स्क्वायर और यहाँ पर एप्सिलॉन 0 के है। तो द पोटेंशियल ऑफ द इनर स्फेयर विथ रेफर्स टू द आउटर स्फेयर इज वी इक्वल्स टू वी आर 1 माइनस वी आर 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन R2 to R1 ई डी आर। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन R2 to R1 ई डी आर। R2 to R1 ई डी आर मीन्स क्यू बाय 4 pi epsilon 0 के इंटू 1 बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, डी आर बाई आर स्क्वायर, बिकॉज ई डी आर वेक्टर, दिस इज इक्वल्स टू ई डी आर। द आउटर स्फेयर आर्थेड एंड इज देयरफॉर एट जीरो पोटेंशियल, देन यहां पर क्या आ जाएगा, वी टू इक्वल्स टू जीरो। देयरफॉर वी इक्वल्स टू वी आर 1, दिस इज इक्वल्स टू क्यू बाय 4 pi epsilon 0 के इंटू माइनस 1 बाय आर। 1 बाय आर स्क्वायर का यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, और यहाँ पर क्या है, R1 to R2, दिस इज इक्वल्स टू क्यू बाय 4 pi epsilon 0 के 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। देयरफॉर
दे आर फॉर द कैपेसिटेंस इज गिवन बाय सी इक्वल्स टू क्यू बाय वी. दिस इज इक्वल्स टू 4 pi epsilon 0 आर वन आर टू के बाय आर टू माइनस आर वन. ये है, ठीक है ना. तो ये है आंसर, कैपेसिटेंस. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2G. क्वेश्चन नंबर 2G, क्वेश्चन क्या है? एन इलेक्ट्रिक जनरेटर कॉन्सिस्ट ऑफ ए 50 टर्न्स स्क्वायर कॉइल ऑफ सेड 1 meter. द कॉइल टर्न्स एट 50 rps. कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड फॉर ए पीक आउटपुट वोल्टेज ऑफ 270 वोल्ट. ठीक है ना. अब करेंगे इसका आंसर. तो यहाँ पर 50 rps, इसको हम मान लेंगे कि ये 50 हर्ज है. इक्वल्स टू 50 हर्ज होता है आरपीएस, तो दिस इज इक्वल्स टू 50 हर्ज करेंगे. अब करेंगे इसका आंसर. द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस टी फाइव बी डिवाइडेड बाय डीटी फॉर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. द मैग्नेटिक फ्लक्स द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू 1 turn ऑफ द कॉइल इज गिवन बाय फाइ ऑफ बी इक्वल्स टू बी एस कॉस ओमेगा टी व्हेयर ओमेगा इक्वल्स टू 2 pi f. f is the frequency at the coil rotates and s the area of 1 turn given by L square. Thus, the induced EMF for a coil consisting of n turns is epsilon equals to minus d phi of b by dt equals to minus d of n b s cos omega t by dt equals to minus n b l square minus omega sin omega t epsilon equals to minus n b l square minus 2 pi f sin 2 pi f t or
एप्सिलॉन इक्वल्स टू 2 पाई एन बी एल स्क्वायर एफ साइन 2 पाई एफ टी एंड द पीक ईएमएफ इज देन एप्सिलॉन पीक इक्वल्स टू 2 पाई एन बी एल स्क्वायर एफ एंड इट इज गिवेन टू बी इक्वल टू 270 वोल्ट. हेंस 270 वोल्ट इक्वल्स टू 2 पाई इंटू एन इक्वल्स टू 50 इंटू 1 पॉइंट एल स्क्वायर 1.0 स्क्वायर इंटू एफ 50 हर्ट्ज इंटू बी और बी इक्वल्स टू 270 बाई 2 पाई इंटू 50 इंटू 1.0 स्क्वायर. दिस इज इक्वल्स टू 0.017 टेस्ला. ठीक है ना, यह है आंसर. उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8. द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ ए यूनिफॉर्म प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय बी इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁶ टेस्ला जेड साइन 100 πy − ωt. यह दिया हुआ है हमें इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड का. यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. द वेव इज ट्रेवलिंग इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम फॉर व्हिच एप्सिलॉन इक्वल्स टू 9 ε₀ एंड म्यू इक्वल्स टू μ₀. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वेव. यहाँ पर क्या क्या हमें निकालना है देखिए. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वेव नंबर 1 इन द मीडियम एंड द रिफ्लेक्सिव इंडेक्स एंड डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम. राइट द कॉम्प्लीट एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का दिया हुआ है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद द वेव ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव निकालना है. इलेक्ट्रिक फील्ड बी इक्वल्स टू यहाँ पर दिया हुआ है और ई इक्वल्स टू क्या होगा वो हमें निकालना है. और पहले निकालना है स्पीड ऑफ वेव, उसके बाद रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम. ठीक है ना, सभी हम एक एक करके निकालेंगे. पहले जो दिया हुआ है वो हम लिखेंगे. गिवन दैट यह है क्वेश्चन नंबर 2H. गिवन दैट B इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁶ Z कैप साइन 100 πy − ωt. द स्पीड ऑफ द वेव इन द मीडियम इज वी इक्वल्स टू 1/√μ × ε₀. तो यहाँ पर हमें जो गिवन है म्यू इक्वल्स टू म्यू जीरो एंड एप्सिलॉन इक्वल्स टू 9 ε₀ देन वी इक्वल्स टू 1/√9 ε₀ ε₀ इंटू यहाँ पर म्यू जीरो. दिस इज इक्वल्स टू 1/√μ₀ε₀ व्हिच इज इक्वल्स टू सी. तो दिस इज इक्वल्स टू सी बाई थ्री है ना. तो सी की वैल्यू क्या है, लाइट की स्पीड, तो 3.0 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाई 3. दिस इज इक्वल्स टू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स. ठीक है ना, तो v इक्वल्स टू क्या आ गया 10⁸. उसके बाद कंपेयरिंग दिस गिवन मैग्नेटिक फील्ड
विद द एक्सप्रेशन बी इक्वल्स टू जेड बी जीरो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो वी हैव, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए के इक्वल्स टू आ गया 100 पाई, ठीक है ना, एंड ओमेगा ओमेगा इक्वल्स टू यहाँ से आ गया है ओमेगा टी। तो ओमेगा की जगह पर क्या है, ये ओमेगा टी ही है, ओमेगा है, और बी जीरो इक्वल्स टू दिया हुआ है, तो बी जीरो इक्वल्स टू है यहाँ पर 2 × 10⁻⁶, ठीक है ना। देखिए ये हमें गिवन है, तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज एन इक्वल्स टू सी बाय वी, वी इक्वल्स टू सी बाय 3 है, तो क्या आ जाएगा 3। तो द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालेंगे, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम कप का या फिर के, दिस इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर इक्वल्स टू 9, 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9, सिंस यहाँ पर के कैप जो है इज अलोंग, के कौन से डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन, अलोंग द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन एंड बी इज अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन बी विल बी अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यहाँ पर साइन है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और माइनस है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सो द एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वेव इन द, सॉरी एसोसिएटेड यहाँ पर मैग्नेटिक नहीं है, हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक मीडियम इज गिवन बाय b equals to x cap 2 × 10⁻⁶ b 0 equals to e 0 by v sin 100 pi y minus omega t, तो omega equals to 2 pi f, f equals to v by lambda, lambda equals to 2 pi by k। तो यहाँ से अगर ओमेगा निकालेंगे, देखिए यहाँ से के की वैल्यू पुट कर देंगे तो 100 पाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा 1/50, तो एफ की जगह पर भी जो है, भी हमने क्या निकाला है 10⁸, तो 10⁸ यहाँ पर लेमडा इक्वल्स टू आ गया 1/50, 10⁸ 50, 8/50 करेंगे तो 2 × 10⁷, दिस इज इक्वल्स टू 2 × π × 2 × 10⁷, दिस इज इक्वल्स टू 4π × 10⁷, ठीक है ना। तो w इक्वल्स टू 4π × 10⁷, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या निकालना है, v तो आ गया हमारे पास 10⁸, और b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x कैप, दिस इज इक्वल्स टू x, x कैप 2 2 इंटू
टू इंटू 10 पावर माइनस 6 बाई 10 पावर 8 साइन 100 पाई y माइनस 4 पाई इंटू 10 पावर 7 टी, दिस इज इक्वल्स टू एक्स कैप टू इंटू 10 पावर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये -6 है, ये भी -14 आ जाएगा, है ना, साइन 100 पाई y माइनस 4 पाई इंटू 10 पावर 7 t, ठीक है ना। ये देखिए ये है आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का सभी आंसर हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।